अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास फिजिक्स स्मार्ट सिलेबस की जो डिटेल है जो बोर्ड ने दी हुई है, कुछ बच्चों को पता चलता है शॉर्ट का, कुछ को नहीं चलता, कुछ कंफ्यूज रहते हैं लॉन्ग में शॉर्ट में, हमारे एमसीक्यू कौन से हैं, न्यूमेरिकल कौन से हैं। तो मैं उसकी एक डिटेल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 13, ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा जो बोर्ड की स्कीम है, यानी कि जिसे मैं कहता हूँ वेट ऑफ नंबर, इस चैप्टर में टोटल नंबर आपको कितने गेन होंगे। जो बोर्ड की स्कीम के मुताबिक है उसमें एमसीक्यू आपको आएगा एक, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे दो, और लॉन्ग क्वेश्चन पर उन्होंने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल। तो ये बोर्ड की मर्जी है, वो आपको न्यूमेरिकल दे दे या आपको लॉन्ग दे दे, ठीक है। आपने लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है, न्यूमेरिकल भी, लेकिन एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल। चलिए आप टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 नंबर एमसीक्यू 4 मार्क्स के हो गए शॉर्ट, और 5 नंबर का हो गया न्यूमेरिकल। तो टोटल यहाँ आपको मार्क्स इस चैप्टर में मिलेंगे 10, ठीक हो गया। उसके बाद जो डिटेल पे हम चले जाते हैं कि एमसीक्यू कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, न्यूमेरिकल कितने। तो जो एमसीक्यूज हैं जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, उसमें फर्स्ट वाला है 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये वाला एमसीक्यूज हैं, और ये वो एमसीक्यूज हैं जो जो बोर्ड वालों ने आपको सिलेक्टेड टॉपिक दिए हैं, ये उनमें से। उसके बाद टोटल इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 12, इसी तरह टोटल लॉन्ग बनेंगे 5, टोटल जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है वो टोटल 4 है, 13.1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसी तरह एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो 3.1 से लेकर 3.10 तक है, ठीक हो गया। यानी कि 10 न्यूमेरिकल ये हो गए, 4 ये हो गए। इन्होंने इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा रखने की वजह ये है, और ये जो वर्ड उन्होंने साथ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल, तो इट्स मीन डेट कि यहाँ से आपको ज्यादा चांस, 80% चांस आपको न्यूमेरिकल के। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं आपको यहाँ से लॉन्ग भी आ सकता है। तो इसी तरह जो है टोटल रिव्यू क्वेश्चन है वो 13.2, 8, 9, 10, 11, 14 और 17 है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक हो गया। ये तो होगी टोटल नंबर, शॉर्ट कितने हैं, लॉन्ग कितने हैं, न्यूमेरिकल कितने हैं। अब मैं चलता हूँ उनकी डिटेल पे। तो जो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है स्टेट कूलम्स लॉ, लॉ लिखकर साथ इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ लिखे हैं, वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आगे आ जाता है जी आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट फॉर्मूला एंड यूनिट। उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर दो डेफिनेशन हो रहा है और है डिफाइन वोल्ट, फिर उसके बाद है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपका डिफाइन कैपेसिटर, फिर व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक, फिर डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फिर उसके बाद आता है डिफाइन फैराड, और लास्ट पे आ जाएगा जी राइट
डोजेज ऑफ कैपेसिटर। ठीक हो गया जी, ये है शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल, जिसमें मतलब ये आपके शॉर्ट पत्ते हैं जो उन्होंने आपको टॉपिक दिए हैं उनसे रिलेटेड जितने शॉर्ट आप हुई है। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिटेल है उसमें जो पहला लॉन्ग बनेगा वो है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक्सप्लेन इट। नंबर टू पे आ जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। उसके बाद नंबर थ्री पे आ जाता है जी आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर फोर पे आ जाता है जी आपका जी जो लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन। नंबर फाइव पे आता है जी डिफाइन कैपेसिटर एक्सप्लेन इट। इन्हीं के अंदर से जो शॉर्ट की जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने आपको इस चैप्टर के जो बोर्ड की स्कीम पहले वो बताई है, उसके बाद जो चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट है वो मैंने लिख के बता दी है, लॉन्ग लिख दी है, न्यूमेरिकल बता दी है और एक्सपेक्टेड इसमें से न्यूमेरिकल की उम्मीद है और टोटल वेट इस चैप्टर का कितना है नंबर के लिहाज से वो 10 मार्क्स आपको यहाँ से गेन होंगे। देख ये थी आपकी डिटेल। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 14 है उसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।